YouTube चैनल पर सुमित पेटू फैमिली आज बात करने वाले हैं टॉप 5 WWE रेसलर हु इरेज बाय WWE इन WWE हिस्ट्री। तो पांच ऐसे रेसलर कौन से हैं जो WWE ने इरेज कर दिए हैं अपनी हिस्ट्री में से। चलिए बात करते हैं नंबर फिफ्थ की। सो मेरी पेटू फैमिली, ये वीडियो बेसिकली होने वाले है कि जो पांच WWE के जो रेसलर थे जिन्हें WWE की हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम किया, फिर भी WWE ने उन्हें इरेज करती जा रही है और ऑलमोस्ट इरेज कर ही दिया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फिफ्थ नंबर पर जो नाम हमने रखा है मेरी पेटू फैमिली, वो रखा है हमारे हल्क होगन, यानी कि हल्कमेनिया के बारे में। 2018 से पहले हमें वहाँ पर हल्क होगन को WWE ने पूरी तरीके से WWE से बैन कर दिया था, क्योंकि हल्क होगन का कुछ एक WWE को लेकर कुछ सीरियसली जो टैप था, एक ओड टैप वहाँ पर वायलर हो गया था, और उस ओड टैप में हल्क होगन कंपनी के बारे में कुछ सीरियसली वहाँ पर इशू के बारे में बात करते नजर आए थे, जो कि WWE पॉलिसी के खिलाफ था। और मेरी पेटू फैमिली, वहाँ पर हमें फिर उसके बाद हल्क होगन को ऑलमोस्ट इरेज ही कर दिया गया था WWE हिस्ट्री से। पर 2018 के बाद जब ये साबित हो गया कि हल्क होगन को वो टेप थोड़ा सा नकली था, तो वो हमें वहाँ पर फिर से WWE में काम कर दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमने हल्क होगन को लिस्ट 5 में। बात करते हैं नंबर 4 की। सो मेरी पेटू फैमिली, बात करते हैं नंबर 4 की। तो मेरी पेटू फैमिली, नंबर 4 पर हमने रखा है, उस रेसलर का नाम है चाइना। जी हाँ मेरी पेटू फैमिली, 1990 के दशक की, 90s के दशक की मोस्ट डोमिनेट फीमेल रेसलर चाइना थी। पर मेरी पेटू फैमिली, जब अपने WWE कैरियर के बाद उन्होंने WWE को छोड़ा, तो चाइना ने जो रास्ता चुना अपने जीवन में आगे बढ़ने का, वो था एक अडल सोसाइटी और अडल कंटेंट। वो WWE वो अडल कंट्री में चली गई, अडल्ट यानी कि इंडस्ट्री में चली गई, तो इसलिए मेरी पेटू फैमिली, वहाँ पर हमें WWE ने धीरे धीरे करके चाइना का पूरा जो नाम है वो WWE की हिस्ट्री में से ही इरेज कर दिया। तो इसलिए हमने नंबर 4 पर रखा है चाइना को। अब बात करते हैं नंबर 3 की। सो मेरी पेटू फैमिली, नंबर 3 पे हमने जिस रेसलर का नाम रखा है इस लिस्ट में, वो है मेरी पेटू फैमिली CM Punk का। 2014 में जब WWE के ऊपर काफी सीरियसली गंभीर आरोप लगाए थे CM Punk ने, तो विंस मैकमैन ने पूरा का पूरा उन्हें WWE से बाहर कर दिया था, और एक टाइम ऐसा गया था कि WWE बिल्कुल भी नहीं चाहती थी CM Punk को वापस लाना, और धीरे धीरे करके WWE ने अपना पूरा का पूरा जो CM Punk का जो कुछ है हिस्ट्री से रिमूव करने की सोच ली थी, और लगभग रिमूव कर दिया था। तो मेरी पेटू फैमिली, अभी फिलहाल CM Punk WWE में है, तो फिर से WWE उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, पर एक टाइम पर CM Punk को बिल्कुल इरेज कर दिया गया था WWE द्वारा, तो इसीलिए हमने नंबर 3 पर रखा है। सो है मेरी पेटू फैमिली, अब आप पहुंचे हैं नंबर 2 पर, कि नंबर 2 पर वो कौन सा रेसलर था जिसको WWE हिस्ट्री से इरेज कर दिया था। तो मेरी पेटू फैमिली, उस रेसलर का हम नाम आपको बता रहे हैं, और वो काफ़ी शॉकिंग नाम है जिसको WWE धीरे धीरे कर इरेज कर रही है। फिलहाल हम लेटेस्ट वो रेसलर बताते हैं, उस रेसलर का नाम है बीस्ट ब्रोक लेसनर। जी हाँ मेरी पेटू फैमिली, ब्रोक लेसनर को WWE धीरे धीरे कर इरेज कर रही है WWE हिस्ट्री में से। क्या कारण था मेरी पेटू फैमिली WWE ब्रोक लेसनर को इरेज इसलिए कर रही है, क्योंकि ब्रोक लेसनर और विंस मैकमैन के ऊपर हाल ही में काफ़ी सीरियसली एलिगेशन लगे हैं, और अभी फिलहाल WWE के जो काफ़ी अच्छे रेसलर थे ब्रोक, पर जो TKO बोर्ड है वो उसने खरीद लिया है WWE को, तो TKO बोर्ड नहीं चाहता कि उनकी कंपनी के ऊपर कोई दाग लगे, तो इसलिए धीरे धीरे करके WWE ब्रोक लेसनर को WWE हिस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखा रही है, यानी कि उन्हें इरेज कर रही है WWE हिस्ट्री से धीरे धीरे। जैसा कि अभी WWE का न्यू वर्जन आया WWE गेम 2K24, उसमें से भी हमें वहाँ पर ब्रोक लेसनर को वहाँ पर इरेज कर दिया, और आप WWE वेबसाइट पर देखेंगे तो वहाँ पर भी WWE ने अपने जो रोस्टर में से ब्रोक लेसनर को इरेज कर दिया है। तो धीरे धीरे करके WWE ब्रोक लेसनर को इरेज कर रही है, तो इसलिए इसमें सेकंड नंबर पर हमने ब्रोक लेसनर को इसलिए रखा है। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 1 के बारे में, नंबर 1 कौन सा रेसलर था। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उस नंबर 1 रेसलर की जिसको WWE ने
अपनी हिस्ट्री में से पूरी तरीके से इरेज कर दिया। तो वो कौन सा रेसलर है उसको जानने के लिए मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी लोग ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, उस रेसलर का नाम है क्रिस बेनेट। और क्रिस बेनेट वो रेसलर थे जो WWE में फिलहाल तो नहीं दोस्तों, वो काफ़ी टाइम पहले WWE में काम करते थे। और वो WWE में ऐसे पहले रेसलर थे जो लूचा लिब्रे से संबंधित थे, यानी कि उनकी न तो अच्छी फिजिक अच्छी थी, फिर भी WWE ने इतना ज़्यादा पुश मिला। पर दोस्तों जो WWE ने उन्हें इरेज करने का कारण क्या था, WWE ने उन्हें इरेज इसलिए किया क्योंकि क्रिस बेनेट की जो डेथ थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी और वो काफ़ी मिथफुल थी, क्योंकि उसमें उनकी जो डेथ का कोई भी कारण नहीं बता पाया, यानी कि वो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो WWE ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने जो WWE हिस्ट्री में से क्रिस बेनेट को बिल्कुल ही अलग निकाल दिया है। तो फिलहाल हमें क्रिस बेनेट को आप WWE में सर्च करेंगे तो आपको उनसे कोई सिंगल वीडियो भी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों क्रिस बेनेट ही वो रेसलर है जिसको WWE ने पूरी तरीके से इरेज कर दिया है। तो मेरी पैटू फैमिली, इस वीडियो में हमने टॉप 5 वो रेसलर बताए जो WWE की हिस्ट्री में से इरेज कर दिए गए हैं या फिर धीरे धीरे करके उन्हें WWE इरेज कर रही है। इनमें से आपको कौन सा शॉकिंग नेम लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।